ऑनलाइन क्लासेस ली, भाई के साथ गए, मोर मंडे टू सैटरडे सिर्फ यही साइकिल चलती रही। सैटरडे को मुझे मैसेज आया अजीम का कि कल आ जाना, हम मेले पे जाएंगे। अजीम कौन है ये मैं आपको आगे जाके बताता यार हूँ। अंदर तुझे पता ना, कल मेले पे जाना है तो कल यहाँ से आ जाना। अगले दिन संडे को मैं और मूसफ गए मनावा अजीम के घर। एंड दिस इज़ माई फ्रेंड अजीम, मेरा लंगोटिया यार। जिस तरह हम मिल रहे हैं आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा। हेलो जी, अभी हम आ गए मनावा और साथ मेरे अजीम भाई हैं, मौज भाई, बड़े भाई, और इधर मूसफ भाई, आप इनको जानते होंगे। ठीक है, अभी हमें जाना है, कहाँ जाना है? खट्टा दिलवा। ठीक है, वहाँ मेले पे, वहाँ जाके मिलेंगे भाई। इसके बाद मैं, मुसब और अजीम हम गए मेले पर ठट्ठे डाइवान विलेज, जो कि इंडिया के बिल्कुल पास है, जीरो लाइन के पास। फुल सचके के साथ आपके भाई ने मारी एंट्री, और हम मेले पर आए हों और हमारी एंट्री सचके वाली ना हो कि गांव का हर बच्चा और बूढ़ा सिर्फ हमारी तरफ देखे, हो ही नहीं सकता। और जितना एक्साइटेड आप हो रहे हैं मेले के लिए, इतना एक्साइटेड मैं भी था कि मेले पे जाएंगे, वहाँ कबड्डी वगैरह हो रही होगी, झूले वगैरह लगे होंगे, लेकिन सारी एक्साइटमेंट पे पानी फिर गया। जब गांव पहुँचे तो वहाँ जाके पता लगा कि ये दरबार का मेला है, और वहीं हमारा दिल टूट सा गया। लेकिन इस टूटे हुए दिल को संभालने के लिए हमने खाने पे कंसंट्रेट किया। इसके बाद आपके भाई ने ऐसा कमाल किया कि एक बार फिर हर बच्चे और बूढ़े की नज़र सिर्फ हम पर थी। माहौल तो बना हुआ था और ढोल भी बज रहा था, और आपका भाई भी हल्के में नहीं आ रहा बॉस, फुल सच के। जीरो लाइन पे इसके पता ना, चस पुरानी वीडियो में भी आपको बताया था, चस बाज जाएगी। हम दादा यार कहां से है, चस क्या दी है ऐसा क्यों? ओ भाई मोबाइल देखो ले, मेरा मोबाइल बच गया ना, बच गया मोबाइल, अभी गोबर में स्लिप हुआ है। और वो अभी गोबर वो किक मार रहा है। अगला
देखो भाई सुबह गेट फोर्ट में देता जो सुबह पहले हम आए थे अजीम भाई के घर, वहाँ से हम गेट डालेवान फोर्ट डालेवान हम आए थे इसलिए कि मेला है यहाँ, लेकिन यहाँ हमारे साथ धोखा हुआ और अजीम भाई अब लेके दरबार वाले मेले में ठीक है, और वहाँ हमने खाना वगैरह खाया ठीक है, उसके बाद डांस कर अभी हम जा रहे हैं ट्यूबल जा रहे हैं। ट्यूबल आए थे और यहाँ लाइट गई है और कोई सीन नहीं है। हमारा प्लान बना ट्यूबल पे जाने का और तेरा भाई जिस जिस ट्यूबल पे जाता था उसका पानी वहीं रुक जाता था, क्योंकि अपने आगे तो बड़ों बड़ों का पानी खत्म हो गया, तो ये ट्यूबल क्या चीज़ थी। ट्यूबल बंद है, फ्लाइट गई है और इधर इतना डश है कि क्या बताऊँ, इस पैनडेमिक में भी वाम बाज नहीं आया। ट्यूबल में एंट्री तो नहीं मिली, लेकिन इसके बाद हम गए बी आर बी नहर, जो कि लाहौर की सबसे खतरनाक नहरों में से एक है। और साला मेरे दोस्त को ही देख लो, नहर में ऐसे छलांग लगा रहा था जैसे मशूका की बाहों में जा रहे हैं, लेकिन आपके भाई का मरने का कोई प्लान नहीं था। अभी तो इस सालिम दुनिया को हमें देखना है, अभी नहीं। देखो भाई अभी हम आ गए हैं बी आर बी, यहाँ कुछ लड़के नहाने लगे हैं, मेरा नहाने का दिल नहीं कर रहा वरना मैं भी नहा लेता हूँ बी आर बी में, नहीं लेकिन अगली बार जरूर आएंगे तो तब नहाएंगे। देखो भाई बी आर बी इंडिया से आती है ये वाली नहर, और इसकी गहराई तकरीबन 20 फीट है और काफ़ी लोगों की हर साल जान लगती है जो शोभी शोभी में इसमें नहाने की कोशिश करते हैं। वैसे मुझे आज नहीं मरना, मेरा दिल नहीं। इसके बाद हम गए चिप्स खाएं, एंड दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस डे, क्योंकि जो लोग इस वक्त मेरे साथ थे मैं हमेशा चाहूँगा कि वो मेरे साथ रहें। अभी हम आए हैं चिप्स खाने और ट्यूबल में हम नहीं नहाए, नहर में कुछ लड़के नहाए थे, बट अभी हम चिप्स खाएंगे और उसके बाद हम बैठ जाएंगे। क्या और मुझे किसी ने कहा था कि ये दुनिया गोल है और इस दुनिया में तुम्हें हर रंग के लोग मिलेंगे, कुछ तुम्हारा साथ निभाएंगे और कुछ तुम्हें छोड़ जाएंगे, लेकिन ये लोग मैं जानता हूँ हमेशा मेरे साथ रहेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात लिख के रख लो, जो तेरे सबसे खास हैं वही जहरीले सांप हैं। माय ड्रॉप, सी यू सून। एक बात बताता चलूं कि ये जो गांव है ये इंडिया के बिल्कुल पास है, लाइक जीरो लाइन के ऊपर, और